सूरज के भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जिससे आप लोग अभी तक अनजान हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। हम आपको सूर्य से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान रहने वाले हैं। सूर्य, जिसे हम सिर्फ दिन और रात का जनक मानते हैं, वह हमारी धरती और हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सूर्य को हमारे सौरमंडल का पिता भी कहा जाता है, इसलिए हमारे पूरे सौरमंडल को सूर्यमंडल कहा जाता है। किसी भी ग्रह, पृथ्वी, मंगल या फिर बृहस्पति को सौरमंडल का पिता नहीं कहा जाता, बल्कि सूर्य ही है जिसकी वजह से सौरमंडल एग्जिस्ट करता है। सूर्य को हमारे सौरमंडल का पिता कहना कहाँ तक सही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, जैसे एक पिता अपने परिवार का हर तरह से ख्याल रखता है, वैसे हमारा सूर्य हमारी पृथ्वी पर जीवन से जुड़ी हर चीज का कारण है। आज की वीडियो में हम आपको सूर्य से जुड़ी कुछ ऐसी ही जानकारी देंगे जिसे जानकर आप सचमुच हैरान रह जाएंगे। सूर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह आप सोच भी नहीं सकते। वह हमेशा रोशनी और गर्मी देता है, जिससे धरती रहने के लिए एक सुखद और रोशन जगह बनती है। सूरज के बिना धरती बिल्कुल ठंडी और अंधेरी होती, जैसा कि सूर्य से दूर के एक ग्रह आज भी हैं, जहां कोई पशु पक्षी और पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जानवर पौधे खाते हैं या दूसरे जानवर को खाते हैं, जो कि पौधों पर ही निर्भर है। यानी कि मनुष्य का जीवन भी देखें तो वह पौधों पर ही निर्भर है, और यदि पेड़ पौधे न होंगे तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाएगी, और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से हमारी पृथ्वी इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा जितना कि आज आप शुक्र ग्रह को देख सकते हैं। मतलब है कि सूरज के बिना पौधे जिंदा नहीं रह सकते और पौधों के बिना कोई जानवर भी नहीं रह सकता। लेकिन क्या आप ये जानते कि आज से 5 अरब साल बाद सूर्य अब से 40% ज्यादा चमकने लगेगा? सारे सागर, महासागर और नदियों का पानी जल वाष्प बनकर अंतरिक्ष में उड़ जाएगा, और इस तरह पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाएगा। हमारी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हम इस पर टिके रहते हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण धरती के गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले 28 गुना ज्यादा है। मतलब कि अगर धरती पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो सूर्य पर आपका वजन 2800 किलोग्राम हो जाएगा। धरती की तरह सूर्य ठोस नहीं है, यह सारा का सारा गैस का बना हुआ है। यानी कि सूर्य की कोई ऐसी सतह नहीं है जहां पर आप पैर रख सकें। सूर्य का गुरुत्व इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि 6 अरब किलोमीटर दूर स्थित प्लूटो ग्रह आज भी सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने कक्षा में चक्कर काट रहा है। यदि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत न होता तो प्लूटो कहीं अंतरिक्ष में खो गया होता। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है और पुनः लौटकर पृथ्वी पर कभी नहीं आता। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जो भी चीज पृथ्वी के विपरीत दिशा में बल लगाकर जाएगा तो वह कभी भी लौटकर पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। उसी तरह सूर्य का पलायन वेग 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि यदि आपको सूर्य के धरातल बाहर निकलना है तो आपको 617.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से निकलना होगा। प्रकाश सूर्य से प्लूटो तक पहुंचने में 5 घंटे 30 मिनट का समय लेता है, और वही प्रकाश धरती पर 8.5 मिनट में पहुंचा जाता है। जैसे हमारी धरती अपनी धुरी के समक्ष 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, उसी से हमारे दिन और रात बनते हैं। ऐसे ही सूर्य अपनी दूरी के समक्ष 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। यानी कि अगर सूर्य पर भी एक दिन के समय को गिना जाए तो हमारे पृथ्वी के 25 दिनों के बराबर होगा। जब से सूर्य का जन्म हुआ है, इसमें सिर्फ 20 बार ही आकाश गंगा का चक्कर काटा है। जिस प्रकार हर वर्ष हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही सूर्य भी आकाश गंगा का चक्कर निरंतर वेग से लगा रहा है, और पिछले 5 अरब सालों में इसने सिर्फ 20 बार चक्कर लगाया है। सूर्य के 1 वर्ग सेंटीमीटर से जितनी ऊर्जा पैदा होती है, इतनी ऊर्जा 100 वाट के 64 बल्बों को जलाने के लिए काफी होगी।
सूर्य की जितनी ऊर्जा धरती पर पहुंचती है, इतनी ऊर्जा संपूर्ण मानवों द्वारा खपत की गई ऊर्जा से 6000 गुना ज्यादा होती है। जितनी ऊर्जा 30 दिन में धरती को सूर्य द्वारा मिलती है, इतनी ऊर्जा मानव द्वारा पिछले 40,000 साल से खपत ऊर्जा से भी कहीं ज्यादा है। अगर मान लें कि सूर्य की चमक एक दिन धरती पर न पहुंचे तो धरती कुछ घंटों में बर्फ की तरह जम जाएगी। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी नॉलेजबल वीडियो मिलती रहे, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें, और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।